अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जबारा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमदो सना है रब्बुल इज्जत की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेमिनी वीकली हॉरोस्कोप 13 to 19 फरवरी, आपका यह हफ्ता कैसा गुजरेगा? जेमिनी, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज में इसलिए पेश कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी अच्छा फील नहीं हो रहा था, इंजरी है फुट में, आप लोगों की दुआओं का तालिब हूं। चूंकि पिछले वीक इसी वजह से जो है वो मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं करवा सका, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज थे, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर होना जरूरी था। उम्मीद करता हूँ आप सब अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखेंगे। परवरदिगार आप सबको भी सलामत रखे। इस हफ्ते में दो बड़ी पेशरफ्त है। सबसे पहली तो आपका अपने बुज के हवाले से है, आपका जो साइन लॉर्ड है मरकरी, ये आपके जायचे के 8वें घर से निकल के आपके जायचे के जो है वो 11वें घर में, सॉरी 9वें घर में जो है वो आ जाएगा, और इसके 9वें घर में आने से आपकी शख्सियत पे बहुत ही जबरदस्त असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। 8वां घर कुछ प्लैनेट्स के हवाले से अच्छा भी आता है और कुछ के जो है बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि मरकरी 8th नेचुरल में औज पजीर होता है यानी बुज अक्रब में, तो इसलिए ये उतना बुरा नहीं होता, लेकिन जब ये 9th हाउस में आता है तो फिर ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। आप अपने ज़हन को खुलता हुआ महसूस करेंगे, ओवरसीज ट्रैवल जो है वो आपके गो थ्रू होना शुरू हो जाएंगे, उसके साथ साथ आपकी जो मूवमेंट है वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको मैंने जब ईयरली वीडियो मैंने अपनी बनाई थी तो मैंने उसमें आपसे कहा था कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार जेमिनाइज जो है वो प्रैक्टिकल में स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जो है वो मूव ऑन होंगे, और उसकी वजह थी सैयारा जोल जो कि आपके जायचक के 9th हाउस में मौजूद है। इन दिनों गो के वो गुरूब में है, लेकिन जैसे ही सन 18 को जो है वो आपके जायचक के 9वें से निकल के 10वें में जाएगा तो ये तुलू हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके तुलू होने से आपके मामलात में बहुत ही जबरदस्त पेशरफ्त आएगी। जब मरकरी आहिस्ता आहिस्ता सैटर्न के करीब होगा तो अब आपकी चीजों में नई जोहर जो है वो आ जाएगी, नॉलेज आप गेन करेंगे, प्रैक्टिकल के हवाले से नॉलेज गेन करेंगे, और वो नॉलेज जो सिर्फ किताबी नहीं है, सिर्फ दर्सी नहीं है, ये सदरी इलम अब आप हासिल करेंगे इंशाल्लाह। आपकी ज़हनी सलाहियत जो है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा, माहौल से मुताबिकत पजीरी आपके मिजाज में आ जाएगी, और अक्सर जब नई जाग को अगले दिनों में आप देखेंगे कि इनके मिजाज में जिसको कहते हैं दरवेश सिफ्त होना, वो चीजें आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी, और टच होगा आपकी तबीयत में एक फलसफी का, एक बहुत अच्छे लिटरेचर और एजुकेशन पर्सन का, इस तरह का टच आपकी लाइफ में बड़ा जबरदस्त रंग भरता नजर आ रहा है। आप ऑलरेडी एक बड़े अच्छे कन्वर्सेशन करने वाले होते हैं, डिलीवर करने वाले। मैं ये कहता हूं कि जेमिनाइज को सेक्रेटरी नशो अशात होना चाहिए, यानी ये किसी भी चीज को बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, चाहे उसके बारे में कितना भी नॉलेज है। मेरे ख्याल में हर जोडिक साइन को परवरदिगार ने कुछ खासियतों से नवाजा है, तो जेमिनाइज को इस खासियत से नवाजा है क्योंकि इनके पास ब्रेन है, और ब्रेन की कुव्वत और ज्यादा बढ़ जाती है जब मरकरी 9th हाउस में आके तस्लीस की नजर से आपके असेंडेंट को देखता है। आपके स्पेशलाइजेशन करने के जो इम्कान है वो बढ़ते चले जाएंगे, ओवरसीज ट्रेवल कर सकेंगे ज्यादातर मुकद्दसा का, अगर आप आपको कोई शौक है या आप इसकी ख्वाहिश रखते हैं तो परवरदिगार के फजल से उसमें भी आपको आसानी मिलेगी। इसी के साथ साथ वो लोग जो कि इस साल हज पे जाना चाहते हैं या उम्रा की शहादत हासिल करना चाहते हैं उन्हें भी कामयाबियां मिलती नजर आती हैं। 9th हाउस में इनके आने से आप स्पिरिचुअलिज्म की तो बड़ी तेजी के साथ मायल होंगे, इसके साथ साथ जब ये 9th हाउस में आएगा तो घर का माहौल बहुत बेहतर हो जाएगा, आपकी सूझबूझ जो कि पहले ही माशाल्लाह बहुत अच्छी है उसमें कई गुना इजाफा होगा, घर सॉरी प्रॉपर्टी की फरोख्त, इन चीजों में आपको बेनिफिट मिलेगा, और कुदरत की तरफ से आपको मौके भी मिलेंगे कि आप इन चीजों को जो है वो हासिल कर सकें, बेहतर डिलीवरीज कर सकेंगे जिससे घर का माहौल बहुत ही बेहतर होगा, माशरे में आपकी इज्जत एक नॉलेजेबल पर्सन के तौर पे जो है वो बढ़ती नजर आती है। उसके बाद खाना माल में आपके मून मौजूद है, थ्रो फाइनेंशियल पोजीशन इस हफ्ते में आपकी बड़ी अच्छी रहेगी, आप अपनी माली पोजीशन को बेहतर करने के लिए कोई एक मुआहदे की तरफ भी जा सकते हैं, और
इसी हवाले से आप कई एक सफर भी कर सकेंगे। मैं सही मानों में अगर मैं ये देख रहा हूं तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा हफ्ता माली पोजीशन के हवाले से भी बनता हुआ नजर आता है। आप नए आइडियाज पे काम करेंगे, ब्रेन आपको माशाल्लाह परवरदिगार ने जो दी है मरकरी उसको सपोर्ट करेगा और आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए नए एग्रीमेंट्स की तरफ जो है वो भी जा सकते हैं। बहन भाई कर्क के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि मैंने जैसे आपसे कहा कि प्रॉपर्टी सारी की खरीदोफरोख्त में परवरदिगार के फजल से आपके कुछ बड़े फैसले जो है वो हो सकते हैं। अगर आप घर की तब्दीली की तरफ जाना चाहें तो उसके मौके भी आपको बेहतरीन मिलेंगे। फिफ्थ हाउस में आपके वीनस, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है जो कि एट्थ में मौजूद है वीनस, ये बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। सो बच्चों से मुतल्लिका मामला कुछ अखराजात में तेजी की तरफ जाएंगे और मलमी जैसी तकरीबात के लिए ये वक्त आपके लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं होगा। इसी तरह इनामी स्कीम में पार्टिसिपेशन करने से भी आपको जो है वो गुरेज करना चाहिए। अपनी सेहत का आपको बहुत ज्यादा ख्याल करना है चूंकि आपके छठे घर का हाकिम भी आठवें घर में मौजूद है और इसकी आठवें घर में मौजूदी जो है वो अचानक हादसात को भी जो है वो दावत दे सकती है। सो बी केयरफुल और हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका देना अपना मामूल बनाइए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मार्स आपके जायचे के आठवें घर में मौजूद है, ये आपके ग्यारहवें गुड़लक का भी हाकिम सैयार है। सो आपको अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा इन जो है वो क्रीज के अंदर रख के चलना पड़ेगा। चीजें इंशाल्लाह बेटरमेंट की तरफ जरूर आएंगी लेकिन राइट नाउ जो है वो आपको दूसरों से व्यवस्था मादी मफादा जरूर पूरे हो सकते हैं लेकिन शायद उस तरह से नहीं जिस तरह के आप चाहते हैं। दो सबाब आपके तावन करना चाहते हैं लेकिन शायद आपके प्लैनेट्स जो है वो आपको इसकी चीज की इजाजत नहीं देंगे कि आप उनसे भरपूर तरीके से या एक गैर मशरूत किस्म की जो है वो फेवर ले सके। दसवें घर में आपके जुपिटर मौजूद है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। कैरियर रोजगार के हवाले से नए सेटअप्स, नई चीजें आपके सामने आएंगी। सुशाल फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। माशरे में अच्छा नेम फेम जो है वो आप हासिल कर सकेंगे और पेशावराना जिंदगी में अपने जरिए माश पे आपका पूरा फोकस रहेगा। रुतबा मिल सकेगा आपको अपनी बेहतरीन पॉलिसीज की वजह से। उसके बाद सन यहाँ पे आके वो कि जुपिटर को दबा लेगा लेकिन बजाते खुद सन का टेंथ हाउस में आना आपको बड़ी नेम फेम की तरफ जो लेके जाता है, बड़ी प्रोग्रेशन जो है वो मिल सकेगी, आपके जो गोल्स है उसको अचीव कर सकेंगे। ये टाइम आपके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा और मजीद इसको बेहतर कर देगा जब आप एक येलो सफायर वेयर करेंगे या एमराल्ड वेयर करेंगे। ये दोनों स्टोन जेमिनाइज इसको भी लगते हैं और जुपिटर को भी लगते हैं। सो ये दोनों स्टोन आपके लिए बेहतरीन जो है वो इंशाल्लाह साबित हो सकते हैं। बेहतरीन जेम स्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट javajem.com जो है उसको विजिट कर सकते हैं या आप घर बैठे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जो भी आपका स्टोन रिक्वायर्ड हो वो आपको मिल सकता है। जहन में रखिए ये जो मैं आपको एमराल्ड और येलो सफायर बता रहा हूं ये आपकी परमानेंट रेमेडीज में से आते हैं। जुपिटर अगले कई महीने यहां पे मौजूद रहते हुए आपको ऐसे भी फायदा देगा और ये मरकरी को भी टच करेगा। सो आपके लिए अगला कई टाइम ये दोनों स्टोन बेहतरीन रिजल्ट के जो है वो हामिल हो सकते हैं। स्पेशली अगर शादी के मामला है या कैरियर रोजगार के मामला तो येलो सफायर वेयर कीजिए। अगर घर प्रॉपर्टी सवारी की बात है या अपनी पर्सनलिटी को अप करना चाहते हैं, लोगों में कोई नुमाया हैसियत हासिल करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो एमराल्ड वेयर कर सकते हैं। ये हफ्ता आप अपने लिए मजीद बेहतर बना सकते हैं अगर आप बेहतरीन प्लानिंग कर लें और ये प्लानिंग के सिलसिले में है जैसे कि मैंने आपको चीजों को बताया कि ये आपके लिए बहुत बेहतर होने जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके दोस्तों से आपको गैर मशरूत शायद जो है वो बेनिफिट्स ना मिल सके। सो वो जिसको कहते हैं कि जागते रहिए, किसी पर मत रहिए, खुद आपको कुआं खोद के ही पानी निकालना है और कुदरत आपको उसके बेहतरीन मौके भी जो है वो फराहम कर रही है। इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहूंगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।